मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज थोड़ा लेट हो गए हैं ऑफिस के लिए, तो सोचा बाइक पे ही पहुंच लेते हैं जल्दी, वरना तो मेट्रो वगैरह और फिर बसेस चेंज करने, ई रिक्शा चेंज करने में फिर तो टाइम लग जाता है। सो मिलते हैं बाइक के पास। तो अब हम निकल चुके हैं अपने घर से, ऑलमोस्ट थोड़ा घर के बाहर से थोड़ा सा निकल चुके हैं। बस अब थोड़ा मेन रोड पे जाम तो नहीं है, स्मूथ है थोड़ा। अभी तो हमें बस पेट्रोल फिलअप के लिए ले जाना है, क्योंकि मेरी बाइक में तो पेट्रोल बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म की कंडीशन पे होने वाला है। कल मैं गया था एक्चुअली कहीं थोड़ा पर्सनल काम से, एक फ्रेंड से मिलने, तो नाइट में फिर मेरे को इतना टाइम नहीं लग पाया कि मैं इसमें पेट्रोल फिलअप कर पाऊँ। तो चलते हैं। तो बाय द वे, वैसे आज कोई ऐसा ब्लॉग बनाने का कोई ऐसा मूड नहीं था, लेट हो रहा था तो सोचा लेट हो रहा हूँ ज़्यादा ही, अब यहाँ से निकलूँगा घर से बाहर, फिर बस या ई रिक्शा लेऊँगा, फिर मेट्रो लेऊँगा। सो उससे बेटर है कि मैं क्यों ना बाइक ही निकाल लूँ। तो आज ऑफिस बाइक से जाना हो रहा है। लास्ट के एक दो ब्लॉग में वॉइस का काफ़ी इशू आ रहा था, मैंने भी देखा था बाद में अपलोड, और मैंने जब अपलोड किया था उससे पहले मैंने वीडियो देखा था तो काफ़ी इशू था। फिर मेरे दो तीन दोस्तों ने भी मेरे को काफ़ी टोका कि यार बहुत ज़्यादा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे भी नहीं समझ आया क्यों ऐसा, वॉइस का क्या प्रॉब्लम था। तो अभी मैंने कैमरे का एंगल थोड़ा कहीं और चेंज करा है इसको, तो अब देखते हैं कि कैसा इसका व्यू एंगल आ रहा है कैमरे का भी, और इसका जो माइक का एंगल है उसकी वजह से चेंज करने की उस पर, तो ये इसका वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है। अभी हम हैं वैसे द्वारका मोड़ के आसपास, जो यहाँ पे एक ये नाला पड़ता है जो विकासपुरी को टच होता है, ऑलमोस्ट अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैं एक सजेशन मांगू तो आई थिंक शायद आप सब दोगे। अभी तो नया पेज है, अभी सबके पास में इतना कुछ मेरे पेज का लिंक भी नहीं है, तो आई थिंक शायद सब वहाँ पे मेरे को इतना कुछ कमेंट तो नहीं कर पाएंगे। बट जो भी हैं उनसे एक सजेशन है कि एक पेज का नेम मेरे को डिसाइड नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। मैंने एक पहले भी नेम चेंज किया था, फिर अब भी चेंज किया है, लेकिन मेरे को अभी भी कुछ नेम में थोड़ा सा लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे चेंज करने का मन कर रहा है कि मैं इस नेम को भी चेंज करूं। वो इसलिए क्योंकि मैं अगर इस नेम पे सर्च कर रहा हूं तो मेरे को काफ़ी अराउंड 5 to 10 के अराउंड मुझे ये पेज के नेम शो कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि पेज का नेम कुछ ऐसा हो जिसपे सिर्फ कोई सर्च करे तो सिर्फ सिंगल वो ही पेज शो करे। तो अगर किसी के माइंड में ऐसा कुछ नेम है या कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। बाकी हम भी सोचते हैं। सो ये व्यू एंगल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, मुझे थोड़ा डर इस वजह से लग रहा है, मेरी बाइक में पेट्रोल है कम और जाना है थोड़ा दूर तक, और ये मेरी एफजी है नहीं कि मेरे को अराउंड 50 to 60 के आसपास का एवरेज दे दे। ये है डोमिनार और ये तो पेट्रोल पीती है बहुत दबा के, इसको तो बस
जब राइड पे जाना हो तभी निकालो, ना तो ऑफिस टाइम पे अगर डेली कम्यूट में मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरा तो सैलरी का हो जाएगा बराबर। तो बस पेट्रोल पंप तक पहुँच जाइए, वहाँ तक मेरे को प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि एक मेन रीज़न मेरा ये भी है इसमें पेट्रोल जल्दी मेरे को क्यों मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे को फिलअप कराने का क्यों टेंशन हो रहा है, क्योंकि ये बाइक जो है ना फ्यूल इंजेक्शन बाइक है। और फ्यूल इंजेक्शन बाइक में होता क्या है कि नॉर्मली कार्बोरेटर जो बाइक होती है उसमें तो हम एटलीस्ट काउंट तक जो पेट्रोल होता है हम उतना तक यूज़ कर लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो पेट्रोल टैंक में जो अराउंड जो भी स्पेसिफाई मिनिमम पेट्रोल होता है उसके बाद में वो यूज़ नहीं होता है, अराउंड 600 to 700 ml के आसपास में वो अनयूज होता है। बट कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वो तो मैकेनिकल टाइप के थ्रू आ रहा है पेट्रोल। अब ये है फ्यूल इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, ये पूरा वर्क करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। अब क्या है कि फ्यूल पंप जब भी पेट्रोल शक करेगा, अगर पेट्रोल टैंक में पेट्रोल ही कम होगा तो उसका मोटर क्या है बिना पेट्रोल के चलेगा, और बिना पेट्रोल के चलेगा मोटर तो वो फिर खराब हो सकता है, गाड़ी मिसफायरिंग कर सकती है। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा टेंशन इस वजह से है कि मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और मैं जल्दी से बस पेट्रोल फिलअप करा लूँ इसमें, जो कि बस कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी वैसे तो मेरा फ्यूल इंजेक्शन जो बाइक है मेरे पास पुरानी वाली FZ वो भी है, मैंने अराउंड 5 to 6 years के आसपास अभी तक चलाया, उसमें भी मैंने काफ़ी बाहर तो पेट्रोल भी नहीं डलवाया, फिर भी मैं उसको ले चलता था, बट टच वुड अभी तक उसमें मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने यामाहा यूज़ किया काफ़ी टाइम, उसके बाद मैं सोचा था कि सोचता हूँ ज़्यादा हायर सेगमेंट बाइक में ना लूँ, और या तो एक यामा की R15 भी काफ़ी अच्छी है, V3 मैंने उसको भी डिसाइड किया था एक बार, बट सीटिंग पोस्चर के वजह से मैं उसको ले नहीं पाया। और फिर ये भी सोचा कि अगर मैं 170 के आसपास मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि 155 cc है, और उसके बाद में मेरे को 2,18,000 में ऑन रोड प्राइस जिस जो एक्स शोरूम अराउंड 190 के आसपास है मेरा डोमिनर 2019 एडिशन, सो मेरे को ऑन रोड 2,18 की पड़ी है। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों मैं 155 cc में इन्वेस्ट करूं जबकि मेरे को 400 cc में डोमिनर मिल रही है, वो भी इतने अच्छे अफोर्डेबल फीचर्स के साथ और प्राइस के साथ, क्योंकि इसमें कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है, शॉकर्स अपग्रेड कर दिए हैं जिसमें अब UG शॉकर्स आ गए हैं, कलर तो बस क्या कहें ये तो कावासाकी की याद दिला देती है, कलर आपको देख ही रहे होंगे सो फ्रेंड्स कि कलर इतना प्यारा है कि बस मेरे को बस मतलब देखते ही ना कि एकदम से मन में आया कि और कोई कलर लेना ही नहीं है, वरना तो डोमिनार का मुझे वाइट कलर बड़ा प्यारा लगता था। इनफैक्ट अगर ये कलर नहीं होता और वाइट कलर में 2019 एडिशन होती तो मैं ज़रूर उसको लेता। सो अभी तो ये बात तो थोड़ा सा छोड़ते हैं, आगे चल के थोड़ा सा बड़ा कठिनाइयाँ सी दिख रही हैं क्योंकि जाम इतना ज़्यादा लग रहा है हर जगह, बस मेन रोड छोड़ के मैं थोड़ा अलग रास्ते से आया तो यहाँ पे भी इतना जाम, और ये
प्लीज आप सब जो भी मेरे पेज पे जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब करा है, प्लीज इस अगर आप सब चाहते हैं कि थोड़ा पेज और इंक्रीज हो जाए और मैं और ब्लॉग्स भी बनाता रहूं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल्स में या कहीं भी इसको थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब थोड़े और इंक्रीज कराइए सब्सक्राइबर्स, एंड लाइक एंड कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कीजिए यार। अरे ये जगह देख के तो एक हादसा याद आ गया, मैं ज़रूर शेयर करता हूँ आप सबके साथ में। हुआ क्या था, जो ये सामने से दो लेन जा सामने से जो ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, बाय मिस्टेक मैं राइट साइड की तरफ से चला गया था और मुझे ये अपनी बाइक परचेज करे हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 20 days या मंथ के आसपास में हुआ था। और मैं जैसे ही आगे निकला तो मुझे ट्रैफिक वालों ने रोक लिया। अब ट्रैफिक वालों ने रोक लिया तो मैं उसी टाइम सडनली रुक गया। अब ट्रैफिक वालों ने चालान तो बनाया तो उन्होंने बोला कि नॉर्मली चालान आएगा 100 rupees का, आप जाइए वहाँ पे और फाइन दीजिए और अपना लाइसेंस ले लीजिए। सो मेरे को आफ्टर 3 to 4 days मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आता है कि योर चालान इज़ जनरेटेड, सो प्लीज़ पे योर फाइन एंड कलेक्ट योर ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने जब लिंक पे जाके उसको देखा तो मेरा अराउंड चालान आया हुआ था 2300 rupees का। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो मैंने वो चालान दिखाया तो उन्होंने मेरे को कहा ट्रैफिक वालों ने कि आपने को रोका गया था और आपने अपना बाइक रोका नहीं, जो कि ये बहुत एक फाइन है उस चीज़ का भी। इस पर मैंने उनको काफ़ी समझाया कि बाइक मेरे को ट्रैफिक पुलिस वालों ने जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप बाइक रोकिए, मैंने उसी टाइम बाइक साइड में लगा लिया, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों चालान बनाया। तो मेरे को ट्रैफिक वालों ने बोला कि ये तो वो था जो उसने 2300 rupees का चालान बनाया, हम होते तो इसको 10,000 का ही बना देते। तो ये काफ़ी अजीब लगा मुझे सुन के भी। फिर मैं थाने में भी गया विकासपुरी के, उनसे भी मैंने सेम यही बात बोली तो वो कह रहे कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, जो आपका चालान है आपको तो फाइन पे करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है फाइन पे करना पड़ेगा, बट ये क्या लैंग्वेज होता है कि हम उन्होंने तो इतना बनाया, हम होते तो इससे इसको 10,000 भी बना देते, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने इसको कंटेस्ट भी किया था लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस पे एक्शन नहीं हुआ, ना मेरे को मेरी मेल आईडी पे या मेरी मोबाइल नंबर पे कोई भी मुझे ऐसा टेक्स्ट मैसेज नहीं आया जिस पे मेरे को पता चल सके कि मैंने जो अपना कंटेस्ट किया है केस को उसके रिगार्डिंग कोई भी बात हो रहा है या कुछ। सो मैंने अराउंड 3 months वेट करने के बाद में मेरे को अपना चालान जो है ये रोहिणी कोर्ट से फाइन पे करके निकलवाना ही पड़ा। लेकिन मैं फाइन पे करने को रेडी था, लेकिन कोई मेरे को ये बताने को रेडी नहीं था कि ये जो फाइन लगाया गया है इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी क्यों लगा दिया है। ऐसे इस तरीके से जो ये चालान काट रहे हैं ट्रैफिक वाले, ये कुछ नहीं है, ये अपना जो है बस टारगेट पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और नॉर्मल जो भी हैं इंसान लो मिडिल क्लासेस, उनको परेशान कर रहे हैं, तो कोई नहीं चलो जैसे भी हुआ। फाइनली वैसे हम भी पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, तो हम थोड़ा पेट्रोल फिलअप करा लेते हैं। सो वी आर कम बैक, सॉरी वी आर नहीं, जो थोड़े टाइम बाद पहले मेरे साथ में बैठे हुए थे वो उतर चुके हैं, तो गलती से मैंने ये बोल दिया, मेरे ध्यान भी नहीं एकदम से था। तो अभी हम वापस आ गए, पेट्रोल फिलअप करा लिया है, बट आज
लग रहा है मुझे, मैं लेट तो हो ही गया था, थोड़ा दूसरे रास्ते से आने के चक्कर में मेरे और लेट होना पड़ गया और मैं जाम की वजह से भी लेट हो गया, क्योंकि जो मेरा अराउंड टाइम है उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया है मुझे, और मैं बस प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वहाँ पे टाइम से पहुँचना ज़रूरी है, और ऑफिस पे टाइम से पहुँच जाए तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो पीछे से कोई बोलता है या कोई टोकता है तो बड़ा अजीब लगता है। सो आज देखते हैं, जो 3 मिनट तो हम लेट हुए हैं, बस थोड़ा अभी हम टाइम से पहुंच जाएं जिससे कि कोई ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। ऑफिस पहुंचने वाले हैं, तो अभी हम ब्लॉग को करते हैं एंड, और ये लो मेरा फोन भी बजने लगा, तो मिलते हैं बाद में दोस्तों।